बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। जिंदगी में हर कोई एक्यूरेट होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो बैंग ऑन रिजल्ट पाए, यानी जिस काम को भी वो करे उसका शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट आए उन्हें। क्या स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट शॉर्ट हुआ जा सकता है? यानी जिन फर्म्स का, जिन ब्रोकिंग फर्म्स का, जिन कंपनियों की तरफ से हम 99 या फिर 100% एक्यूरेसी की एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, क्लेम्स देखते हैं, कितने हद तक सही होते हैं, क्या जस्टिफाइड है ऐसे किसी से भी टिप्स लेना? हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं इस पर पूरी राय, पूरा एनालिसिस। वेलकम टू द शो सुनील। हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट को ज्योतिष के एंगल से कितना परसेंट तक देखना चाहिए, यानी आप लक में अगर बिलीव करते हो तो क्या रोल होना चाहिए लक का, या फिर क्या रोल होना चाहिए ज्योतिष विद्या का स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर हम इस एस्पेक्ट को नहीं देखें, हम एक दूसरा ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट देखें, जहाँ पर कई बार हम ईमेल्स के जरिए, वेबसाइट्स पर, न्यूज़पेपर्स पर और शायद टीवी में भी कहीं ना कहीं व्यूअर इससे आकर्षित होता होगा, जहाँ ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि 99% एक्यूरेट टिप्स पाएं इंट्राडे के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी। क्या पॉसिबल है शॉर्ट शॉर्ट होना? देखिए, ये बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं कि 99% तो छोड़िए, 70% भी श्योरिटी नहीं हो सकता इस मार्केट में। लेकिन उसकी बात हम अलग रखते हैं। अभी आपने बात किया कि बहुत सारे क्लेम ऐसे किए जाते हैं बहुत सारी वेबसाइट के द्वारा कि 99% श्योरिटी, 40% का रिटर्न महीने का हम देंगे आपको, ऐसी बहुत सारे क्लेम्स होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी किसी बिजनेस के अंदर, जैसे हम बात कर चुके हैं पहले, एक तरह का बिजनेस है ये, जब भी किसी बिजनेस के अंदर लोगों को नॉलेज बहुत कम होती है, वहां पर इस तरह की कई दुकानें खुल जाती हैं। जी बिल्कुल, जो लोगों के सोच का नाजायज फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, आपको मिसगाइड कर लेते हैं कहीं ना कहीं, मिसगाइड करते हैं, या उनको उनको एक्चुअली खुद भी मालूम नहीं होता, और सामने तो जो जिसको वो बता रहे हैं उसको तो कुछ बेचारे को पता ही नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, और वो जो बता रहा है उसको भी मालूम नहीं है। सिर्फ वो एक अट्रैक्ट करने के लिए एक फिगर लिखता है 99.9% एक्यूरेट। 100% एक्यूरेट भी मैंने देखा। अभी 100% एक्यूरेट या 99% एक्यूरेट तो जिंदगी में नहीं होता है, आदमी स्टॉक मार्केट में कहाँ से हो सकता है। राइट, एक्चुअली क्या होता है प्रियंका जी, जैसे हमने बात किया पहले भी, ये बिजनेस है, तो बिजनेस, अब इस बिजनेस में अंदर एक खासियत है बाकी बिजनेस के जो हैं उसके, एक खासियत है, यहाँ पे आंसर ना दो ही हो सकते हैं। राइट, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। राइट, अब इस चीज का फायदा उठाते हैं इस तरह के लोग। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, मतलब एक तरह का जैसे हमारा भगवान का बिजनेस है ना, बहुत सारे लोगों को अजीब लगता है बिजनेस, मतलब एक्सप्लेन इन डिटेल। भगवान का बिजनेस भी ऐसा ही है, जो लोग भगवान का बिजनेस करते हैं उन्हें पता है, जो ये बाबा देखते हैं आप सुबह सुबह चैनल्स पे या इधर उधर बातें करते हुए सुनते हुए, उनके पास आप कई बार हैरान होंगे, इतनी सारी भीड़ जमा होती है और वो बाबा क्लेम करता है कि जरूर आपका बच्चा हो जाएगा, जरूर आपकी नौकरी लग जाएगी, जरूर आपको पैसा मिल जाएगा, जरूर 100% श्योर। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आप देखते हैं उनके पास भीड़ होती है। ये जो काम है और वो काम है लगभग एक जैसा है, वहां पे भी किसी को कुछ पता नहीं है। सामने वाला एक अनजानी चीज को चाहने के लिए, पाने के लिए जाता है, और सामने जो बैठा है वो उसको एक तरह का एक्सप्लॉइट करता है। कैसे एक्सप्लॉइट करता है? अब वो जाएगा उसके पास, वो बोलेगा हाँ सर मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी बाबा जी। अब बाबा जी ने उसको कुछ दे दिया खाने के लिए, हाँ जाओ बेटा नौकरी लग जाएगी। अब समझिए, अगर कोई 100 आदमी एक बाबा के पास गए और बाबा जी ने सबको कुछ खाने के लिए दिया और सबको बोला नौकरी लगेगी, तो 50 की तो लगेगी गारंटी, मैथमेटिक्स का रूल है। मतलब यस, आपके पास या तो यस का सलूशन है या फिर नो, दो ही आपके पास प्रोबेबिलिटीज है। अगर जिस चीज में दो ही आंसर हो सकते हैं, अगर आप सबको यस करते जाएंगे तो आधों का तो यस निकल ही आएगा। सिंपल सा रूल है मैथमेटिक्स का। अब उसमें होता क्या है कि आधों का जब सच निकल जाती है बात, तो वो आधे तो उस बाबा जी के पास आते रहते हैं। अब जिन आधों की सच नहीं निकली है वो किसी दूसरे बाबा को ढूंढ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये बाबा इतने ज्ञानी नहीं है, ये इतने सिद्ध नहीं है, तो दूसरे किसी और बाबा दूसरे को ढूंढ ले। अब कोई जब नया कस्टमर आता है, जब नया कोई आदमी आता है उस बाबा जी के पास, तो उसको एक्चुअली वहां पे वही आदमी मिलते हैं जिनकी हर बात सच निकली है। बाबा जी ने उनको बोला आपका बेटा हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, तो वहां पे वही 50 आदमी मौजूद हैं जिन 50 का काम नहीं हुआ, वो एक्चुअली जा चुके हैं। तो अगर वो जा चुके हैं तो वो उनको वहां नहीं दिखेंगे, तो वहां पर जिन लोगों का काम नहीं हुआ वो वहां मौजूद नहीं है, जो मौजूद है उन सबका कुछ ना कुछ हुआ है।
तो जब नया आदमी आता है उसको वहाँ पे वही लोग दिखते हैं जिनका कुछ हुआ है काम जी। तो एक तो वो पहले ही जब आता है तो बाबा जी के पास कुछ इच्छा लेके आता है कि उसका कोई काम हो जाए, फिर उसे वहाँ जो भीड़ दिख रही है वो एक्चुअली वही लोगों की दिख रही है जिनका कुछ काम हुआ है। यानी आप सुनील, एक सिंपल टर्म में अगर हम यहाँ कंपेयर करें, हम एक ऐसा सिनेरियो को लेकर चलते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी यस या नो की है। इसी तरह से जितने भी तमाम हम किसी को क्रिटिसाइज या नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल, हम सिर्फ एक डिबेट रख रहे हैं यहाँ पर कि अगर जहाँ प्रोबेबिलिटी सिर्फ हाँ या ना की है, नौकरी लगना या नहीं लगना, इन दो में से अगर एक बार भी सच हो जाता है तो उस इंसान का उस सिद्धि में उस पर विश्वास और बढ़ जाता है, और अगर आपकी बात नहीं सच होती तो शायद आप विश्वास कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। तो यानी यही सिचुएशन होती है ऐसी चीजों में भी स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी अगर मेरे पास में 40 लोग आते हैं पूछने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, और मैं 40 के 40 को यह बोल दूं कि हां ऊपर जाएगा, या कोई स्टॉक वो पूछने आया जो मुझसे, मैं बोल दूं कि ऊपर जाएगा, तो 40 में से 20 का तो ऊपर जाएगा जी। तो वो 20 जो हैं वो हमेशा मुझे मानते रहेंगे, और जिन 20 का स्टॉक मेरे बोलने के कारण ऊपर नहीं गया वो कहीं और चले जाएंगे। चलिए, यानी एक सिंपल सी कोशिश किया हमने, एक आपके सामने एक एग्जांपल रखने की, सोचना आपको है, हम एक डिबेट आपके सामने प्रेजेंट करा है। एक एंगल और भी है सुनील, क्योंकि यहां बात ये हो रही है कि मार्केट्स जो है कंप्लीटली इट्स बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड नॉट ऑन रियलिटी। कितने भी थोरो प्रोफेशनल्स हो वो अज्यूम करते हैं, वो एंटिसिपेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या बेसिस होता है इनके एनालिसिस का, ऐसी ब्रोकिंग फर्म्स का, ऐसी फर्म्स का, ऐसी कंसल्टेंसी फर्म्स का, क्या बेसिस होता है एनालिसिस का जिस पर आपको 100% शॉर्ट शॉर्ट होने का दावा करते हैं? जानेंगे सुनील से, इस पर भी चर्चा होगी जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और जाने से पहले आपको याद दिला दें बाजार शास्त्र @ZNetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। जल्द वापस आ जाए। आपका स्वागत है, और अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सुनील मिकलानी मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील, हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी फर्म्स कितने भी थोरो प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल्स की भी मदद ले लें, हम मान लेते हैं कि वो प्रॉफिटेबल, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कोई तो एनालिसिस लेते होंगे, वो क्या एनालिसिस लेते हैं? हम दो ही एनालिसिस जानते हैं, टेक्निकल या फंडामेंटल, और वहाँ पर हमें साफ साफ कहा जाता है कि वो भी 100% श्योर नहीं हो सकता। एनालिसिस वो लोग भी यही यूज़ करते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन जो वो क्लेम करते हैं वो क्लेम गलत करते हैं जी। वो क्लेम ऐसा करते हैं जैसे दिखाने के लिए किसी को कुछ हम बोल दें कि ऐसा जो आपके साथ ज़रूर होगा काम, ऐसा ज़रूर वाला कुछ नहीं होता यहाँ पर। अभी आप एसी लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मैं आपको कहूँ सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, ये क्लेम गलत है। एक्चुअली एसी उसी टेक्निक से बनेगा जिससे बाकी कंपनी बना रही है, लेकिन ये क्लेम गलत है। राइट, 100% श्योरिटी, 30% का महीने में रिटर्न मिल जाएगा। आप मुझे समझिए, जो आदमी ये बोल रहा है 99% श्योरिटी, अगर उसके पास ऐसी कोई चीज़ हो, मेरे पास अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं अपने आप को एक रूम में बंद कर लूँ और किसी को नहीं आने दूँ अंदर जी। अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो तो आप सोचिए, जो लोग देखते हैं, जो लोग सुनते हैं ऐसी बातों को, जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आप ये सोचे, अगर कोई भी ब्रोकिंग फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है, क्यों चल रही है? अल्टीमेटली टू अर्न मनी। और अगर आपके पास शॉर्ट शॉर्ट टिप है तो आप तो इतना पैसा इसी ट्रिप से बना लेंगे, इसी टिप से बना लेंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई और सर्विसेज देने की। शॉर्ट शॉर्ट टिप के अलावा कई लोग ये क्लेम करते हैं, हम 40% का रिटर्न देंगे महीने का, 50% का रिटर्न देंगे, 30% का रिटर्न देंगे। बैंक में 8% का रिटर्न मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स वो 12-12, 13-13% के लिए झगड़ा करती रहती है। आप सोचिए, किसी ऐसे आदमी के पास अगर 30% महीने का रिटर्न का हो कुछ ऐसा कुछ। सुनील, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स पूरे रिसर्च थॉरो करने के बाद एनुअल रिटर्न देती है 15%, 20%, 30%। थॉरो फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, वो लोग सारे एस्पेक्ट देते हैं, बिजनेस मॉडल्स चेक करते हैं, सारी आने वाली नेगेटिव सिचुएशंस को भी डिस्काउंटिंग करते हैं, उसके बाद भी वो एक लिमिटेड रिटर्न बताते हैं। हम यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्लेम गलत करते हैं वो लोग जी। यानी हमें किस चीज से दिक्कत है? हमें क्या उनके काम करने से दिक्कत है या फिर उनके एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग करने के से काम? एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग से दिक्कत है जी। दिक्कत एक्चुअली वो है जो क्लेम करा जा रहा है। आप जो भी आपके पास सलाह लेने आ रहा है वो एक्चुअली हो सकता है कि उसको नॉलेज कम हो, आप उसको बता दीजिए कि देखिए यहाँ रिस्क भी है,
और इसके अलावा रिटर्न एक जेन्युइन आएगा, कोई लॉटरी नहीं खेल रहे, कोई जुआ नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक जेन्युइन रिटर्न आएगा आपको। वो जेन्युइन रिटर्न की जो डेफिनेशन है वो 40% महीने का या 50% नहीं होती, किसी धंधे में नहीं होता ऐसा, जुए में जरूर होता है। लेकिन अगर वो आदमी सामने वाला ये चाहता है कि जेन्युइन तरीके से काम करे तो उसको इस तरह के क्लेम नहीं करने चाहिए। और जो भी लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं वो कम से कम थोड़ी सी अपनी सोच का इस्तेमाल करें कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई आदमी बोले 99% श्योरिटी दे रहा हूं मैं। अभी 99% श्योर है तो खुद क्यों नहीं करता फिर उसकी 99% श्योर। इनफैक्ट इंट्राडे टिप्स के लिए वो बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि पोजिशनल, वो कहते हैं आज ही अगर आप सौदा लेते हैं तो आज ही 100% रिटर्न आपको मिलकर जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए वो अपना पास हिस्ट्री दिखाएंगे, किसी एक क्लाइंट का कभी 2 साल में 2 बार हो गया उसका दिखाएंगे कि हमने ये किया है। ये सब बेकार की बातें हैं, इन चीजों में उलझना नहीं चाहिए। मैंने जो पहले बात किया है बाबा जी जैसे जिस तरह से काम करते हैं जो भी आते हैं हमारे सामने, ये एक्चुअली उसी तरीके का काम है। लोगों को सोचना चाहिए, हम किसी को यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं कि आप करिए नहीं जाइए या नहीं जाइए, सोचना खुद को चाहिए आप ऐसा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इस तरह के लोग जो है ना वो एक्चुअली इस तरह की चीज़ों में आते क्यों हैं उसका भी एक रीज़न है। वो ईजी मनी चाहते हैं, चमत्कार जिसको कहते हैं ना, चमत्कार चाहते हैं। अब जो बाबा जी के पास जा रहा है वो क्या चाहता है, उसकी बेचारे की नौकरी नहीं लगी, वो चाहता है कुछ चमत्कार जैसी कोई चीज़ मिल जाए मुझे तो मैं कुछ खा लूँ और मेरी नौकरी लग जाए, या बेटा नहीं हो रहा तो मैं कुछ खा लूँ तो मेरा। तो भीड़ को देख के यानी आपको अपना रास्ता नहीं बनाना, आपको रास्ता अपने दिमाग से बनाना है कि आपको आपको खुद एनालिसिस करना होगा कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। वाकई वी आर नॉट बींग जजमेंटल, हम यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, हम आपके सामने सिर्फ एक ओपन डिबेट रख रहे हैं ताकि आप इसके दोनों एंगल से दोनों एस्पेक्ट देखें। काम शायद वो भी दूसरी कंसल्टेंसी फर्म्स की तरह दूसरे लोगों की तरह ही करते होंगे, एनालिसिस वो भी वही यूज़ करते होंगे, लेकिन हमें सिर्फ दिक्कत है उनके वे ऑफ ब्रांडिंग करने से, यानी जिस तरह से वो आप लोगों को, आम निवेशकों को, भोले भाले इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें नहीं पता है मार्केट में किस तरह से पैसा कमाया जाए, उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरह, उस चीज से हमें सिर्फ दिक्कत है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स अब आंखें खोलकर अपने लिए कभी भी कोई एडवाइजरी टिप्स चूज करते हैं तो प्लीज ओपन योर आईज एंड सी व्हाट इज राइट फॉर यू। बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, एक व्यूअर की क्वेरी भी लेंगे, कहीं मत जाएगा। बाजार शास्त्रा zee.network.com हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी मिथ पर, किसी डिसबिलीफ पर आप राय जानना चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं, यू आर फ्री टू मेल अस। जल्द वापस हाजिर। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील मिगलानी बने हुए हैं, और एक व्यूअर है जिनका सवाल हम तक पहुंचा है ईमेल के जरिए। अमिया शाह है सुरेंद्र नगर गुजरात से, जिन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए हमसे भेजा है। सुनील से इस पर जान लेती हूं मैं। सुनील, इनका सवाल कुछ इस तरह से है, 2 पार्ट्स में ही इज आस्क द क्वेश्चन। ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं किसी भी स्टॉक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना चाहता हूं तो मैं उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस देखूं या आज का ओपनिंग प्राइस देखूं? सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर वो पीछे देख रहे हैं हिस्ट्री में तो क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होता है। आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ, मार्केट में जब काम करते हैं हम, 4 प्राइस हमारे पास आते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। उसमें क्लोजिंग पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमें कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस हम जब भी देखते हैं उसमें हम क्लोजिंग की वेटेज बहुत ज़्यादा रखते हैं। अगर लो कोई ऐसा लगा है जो बिल्कुल बहुत दूर है क्लोजिंग से जी, तब हम लो को काउंट करते हैं जी। लेकिन जो इन्होंने जैसे पूछा तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो क्लोजिंग पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, यानी अगर आपको पीछे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना तो क्लोजिंग पॉइंट सबसे पहले आपको कंसीडर करना होगा। दूसरा जो सवाल, दूसरा पार्ट इनके सवाल का ये है, ये जानना चाहते हैं कई बार ये, इनफैक्ट आई एम सो श्योर कि बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में भी क्रॉप अप होती होगी बातें, ओवरवेट सुनते हैं, अंडरवेट सुनते हैं, इक्वल वेट भी सुनते हैं। मोटा मोटा सबको पता होगा ओवरवेट क्या होता है, अंडरवेट क्या होगा, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है इसकी? मोटा मोटा सबको ये पता होगा कि ओवरवेट का मतलब तेजी होता है और अंडरवेट का मतलब मंदी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेमन लैंग्वेज में पता, लेमन लैंग्वेज। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ओवरवेट हूं तो उसका सीधा मतलब क्या है आपको बताता हूं मैं। हमारा इंडेक्स जो है निफ्टी, उसमें जितने भी स्टॉक है 50 स्टॉक, उस 50 स्टॉक की अपनी वेटेज है। जैसे रिलायंस है उसकी 9%, 10%, ICICI बैंक, हर एक की वेटेज है। अगर मैं कहता हूं मैं रिलायंस पे ओवरवेट हूं तो यानी कि अगर मैं निफ्टी के 50 स्टॉक लूंगा तो
तो रिलायंस में अगर 9% की वेटेज है तो मैं रिलायंस को 9% से ज्यादा लूंगा। इसका मतलब उसे ज्यादा अट्रैक्टिव मान रहा हूं। मैं ओवरवेट हूं इंडेक्स के कंपैरिजन में। मैं किसके कंपैरिजन में ओवरवेट हूं? इंडेक्स में उसकी जो वेटेज है 9% अगर वेटेज है या 10 है या 12 है जो भी है, हाँ। उसके साथ अगर मैं कोई भी लूंगा स्टॉक तो उसके सामने उसकी वेटेज में बढ़ा के लूंगा। और अगर मैं बोलता हूं मैं अंडरवेट हूं तो मैं उस स्टॉक का जितना वेटेज इंडेक्स में है उससे कम लूंगा वो स्टॉक। राइट। और अगर मैं बोलता हूँ न्यूट्रल वेट हूँ तो जितना वेटेज उस में है इंडेक्स में उतना लूंगा। एग्जैक्टली। यानी क्योंकि व्यूअर्स को और क्लैरिटी हम यहाँ दे दें, क्योंकि निफ्टी है इट कॉन्स्टिट्यूट्स 50 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, 50 इंपॉर्टेंट। मार्केट में स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 50 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो हैवी वेट्स होते हैं, जो निफ्टी काउंटर्स होते हैं, उनको एक एक हर स्टॉक को अपनी एक वेटेज दी है। इंफोसिस की अपनी एक वेटेज है, रिलायंस की अपनी एक वेटेज है, सिप्ला की अपनी एक वेटेज है, तो यानी सब स्टॉक्स की अपनी एक वेटेज है और हर वेटेज के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। ओवरवेट यानी इक्वल वेट अगर हम कहते हैं, इक्वल वेट हम ये कहते हैं कि ठीक है अगर ये परफॉर्म करती है मार्केट तो ये वाला स्टॉक भी अगर इसको हम इक्वल वेट मतलब कहते मुझे हैं। लेना होगा तो मैं इतना लूंगा, परफॉर्म करती है नहीं करती ये नहीं आएगा मैटर। अभी अगर मॉर्गन स्टैनले बोलता है मैं इंडिया पे ओवरवेट हूं तो उसका मतलब अब इंडिया का तो कोई इंडेक्स नहीं है लेकिन उनका अपना एक इंडेक्स है जिसमें वो सारी कंट्रीज में काम करते हैं, उन्होंने एक सेट वेटेज दे रखा है इंडिया को कि हम अपना जितना टोटल पैसा रहेगा हमारे पास हम उसका 6% इंडिया में लगाएंगे। लेकिन जब भी वो बोलता है कि मैं इंडिया पे ओवरवेट हूं तो वो पैसा जब लगाएगा वो 6% से ज्यादा लगाएगा वहां पे, और अंडरवेट बोलता है तो 6 से कम लगाएगा। राइट। तो ये मतलब होता है उस पे मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा या उसमें तेजी होगा या नहीं होगा इसका कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं उसको बाय करूंगा तो जितना वेटेज इंडेक्स में होगा उससे ज्यादा बाय करूंगा। यानी हम कंपैरिजन करते हैं और ओवरवेट और अंडरवेट या इक्वल वेट ये कंपेयर होता है इंडेक्स के कंपैरिजन में स्टॉक को। चलिए, उम्मीद है अमिया शाह आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा और ऐसे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और वो हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी सवाल को, कोई भी कॉन्सेप्ट हो चाहे आपका इजी कॉन्सेप्ट हो, रोज सुनते हो, कई बार रोजमर्रा के कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम सुनते हैं 10 बार है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होती, यू फ्री टू मेल अस bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है जहां आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट पर राय जान सकते हैं। और इसी के साथ शो को फिलहाल आज यहीं समेटते हैं। शुक्रिया सुनील शो में आने के लिए, ये तमाम बातें डिस्कस करने के लिए, और एक आई ओपनर के तरह पर लेना होगा इस एपिसोड को भी हमें कि वो व्यूअर्स खास ध्यान रखें कि जो इस झांसे में आते हैं, इसे झांसा ही कहेंगे, ये जो 99% 100% ये झांसे में जो आते हैं वो अगली बार ऐसी कोई भी टिप लेने से पहले हमारे इस एपिसोड को जरूर ध्यान में रखें। चलिए, इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।